नमस्कार दोस्तों, डिजिटल बिजनेस के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज सवाल और जवाब की। सबसे पहला सवाल है इरफान खान जी का। सर, आयुष्मान की आईडी परमानेंट रहेगी या 1-2 साल के लिए रहेगी? परमानेंट रहेगी इरफान भाई। अगला सवाल, ASGDS में CCC डायरेक्ट वाला चलेगा क्या? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल, CCC भी चलेगा। CCC एक्चुअली नाइलेट से बनता है, डायरेक्ट वाला क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन CCC जो कोर्स है वो आपको कौन करवाता है? नाइलेट करवाती है ना, तो जो सर्टिफिकेट आपको वो मिल रहा है वो भी चलेगा, या किसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था का अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विमल दमार जी का सवाल है, आयुष्मान आईडी पासवर्ड यूपी के लिए मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर, MP यूपी दोनों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आयुष्मान से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है, वहां पर जाइएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या आसान तरीके बताता हूँ, ऐप में आ जाना, ऐप डाउनलोड कर लेना कंप्यूटर ज्ञान केंद्र, वहां पर सब मिलेगा। टैग ब्रदर, सर मेरा GDS में नाम शॉर्टलिस्टेड हो गया है, SMS भी आ गया है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, झारखंड से हैं, हाउ टू कॉन्टेक्ट यू इमिजिएटली? सर मैंने आपको यहाँ पर कमेंट भी किया था, अगर आप अभी तक, क्योंकि आपका नाम यहाँ पर तो टैग ब्रदर लगा हुआ है, और आपने अगर ऐप डाउनलोड कर लिया है और आपने अगर कोर्स ले लिया है, एक बार हमें यहाँ पर भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया, क्योंकि आज जितने भी ज्वाइन हुआ है उन सबसे बात हो गई है हमारी, और अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आपने डाउनलोड कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो कॉन्टैक्ट करने का आसान तरीका सबसे कहता हूँ बार बार, अगर आप बात करना चाहते हैं, आपको जानकारी लेना है, आप क्या जानकारी लोगे, कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए रहेगी ना, तो सबसे मेन क्या, कोर्स कहाँ मिलेगा? ऐप में मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में सब कुछ मिलने वाला है, चैट ऑप्शन है वहाँ पर, आप मैसेज करो, ठीक है, वहाँ आपको मिलेगा। राजेंद्र राम जी का सवाल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या ये सर्टिफिकेट वाला? एक वीडियो डाला था मैंने 60 डेज वाला सर्टिफिकेट, राजेंद्र राम जी ने पूछा फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या, सवाल ठीक है, जेन्युइन है, उनके हिसाब से उनका पूछना, उनका कहना सही है कि सर क्या फ्री है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने उनको रिप्लाई भी दे दिया था, और मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ उनको कि सर एक्चुअली होता क्या है, सर्टिफिकेट फ्री हम आपको दे सकते हैं वैसे, है ना, अगर हम आपको मेल पे करना चाहेंगे, भैया हम आपको मेल बस कर दें, हम आपको सर्टिफिकेट फ्री दे सकते हैं, लेकिन नुकसान हमारा बहुत सारा है, क्योंकि हमको यहाँ हमारे साथ इस संस्था से जुड़े हैं 10-12 एम्प्लॉई जुड़े हुए हैं, उनकी सैलरी भी होती है, इतना कुछ इक्विपमेंट है, जैसे अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देख पा रहा हूँ या आप मुझे देख पा रहे हैं, बहुत कुछ सेटअप लगा यहाँ पर, है ना, और इसके अलावा हम आपको बाय पोस्ट सर्टिफिकेट करते हैं, तो इन सब में खर्चा लगता है, और उसके लिए हम आपको एक जेन्युइन चार्ज लेते हैं, कोई ज़्यादा भारी चार्ज नहीं। आप कहीं पर जाओ सेंटर पे, वहाँ पर जाकर आप पूछो कि सर हमको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बनवाना है, आपसे कम से कम 1500-2000 का चार्ज आपसे मांगा जाएगा, तो यहाँ पर 800 रुपये में अगर आपको घर बैठे सर्टिफिकेट मिल रहा है तो इससे बेहतर आई थिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है। विनय बागवान जी का सवाल है, सर SBI CSP ग्रामीण क्षेत्र में कोई खोल सकते हैं या नहीं, और कौन सी कंपनी से लें और कितना चार्ज रहेगा? बिल्कुल आप खोल सकते हैं, आप देखो कोई भी कियोस्क की बात करो, CSP की बात करो, अगर कोई बैंक है, समझना बात को, बैंक है, वो अपने बैंक के जो 15 किलोमीटर का एरिया होता है उसके अंदर वो आपको CSP दे सकते हैं, ठीक बात। अगर SBI है, आपका जो भी गाँव है उस गांव के 15 किलोमीटर के अंदर अगर SBI का बैंक है तो वो बैंक आपको कियोस्क सेंटर आपके एरिया में प्रोवाइड करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं, और उसके लिए आपको बहुत सारी कंपनी होती है, मैंने कई बार बताया है नाम, CSP कंपनी, एक नाम मुझे बस बार बार याद आता है, ऑक्सीजन करके है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो CSP प्रोवाइडर कंपनी कहलाती है, जी CSP प्रोवाइडर कंपनी कहलाती है, वो आप देख सकते हैं, संजीवनी है, बैंक मित्र BC, CSP कॉरपोरेशन, कस्टमर सर्विस प्रोफाइल नेटवर्क, देखो बहुत सारे, SBI कियोस्क, देखो SBI कियोस्क बैंकिंग में जाओ तो ऑक्सीजन सर्विस इंडिया, ये नाम आता है बार बार, यहाँ पर भी जाओ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन CSP provider.com, आप जाना myoxygen.com, ये जो वेबसाइट है ना myoxygen.com, यहाँ पर आप जाओ, इनसे संपर्क करो, ये वेबसाइट जेन्युइन है और जो काम होता है यहाँ इसके माध्यम से काम हो जाता है, ठीक है। चलो, भारती पाटीदार जी का सवाल था, सवाल क्या था एक्चुअली, उनका एक मोटिवेशन वाला जो हमारा रोज सुबह की सीरीज चलती है, वहाँ पर उनका एक कमेंट आया था कि सर जस्ट टाइम स्टार्ट करना भी बहुत, एक्चुअली यहाँ पर ये जो मोटिवेशन वाला कोट था वो ये था कि
बिजनेस स्टार्ट करना आसान होता है लेकिन उसको मैनेज करना एक कला होती है। तो इनका सवाल, इनका जो कमेंट था वो ये था कि सर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो भारती जी, 9 बजे की जो सीरीज चल रही है ये इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमने स्टार्ट की, कि अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट करने से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, पैसे कहाँ से अरेंज कर पाएंगे, या आप कौन सा सिस्टम लेना है आपको, जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका सवाल हो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, या MP ऑनलाइन या CSC से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करें इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करें, ताकि कल की रात की 9 बजे की सीरीज में हम आपके कमेंट का, आपके सवाल का आपको जवाब दे सके। ठीक है प्रेम शर्मा जी, नाइस, हम सभी आपके साथ है, धन्यवाद। अजीत परिमार जी का सवाल है, ये टैग बर्नर, टैग ब्रदर करके जो है, टैग बर्नर बोलो सॉरी, टैग ब्रदर जो है, इनके 2 बार कमेंट है, ये वाला एक और, एक बार और उन्होंने किया था, एक बार बाद में भी किया था, तो आई थिंक दोनों में मैंने रिप्लाई किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐप डाउनलोड आई थिंक अगर नहीं किया है, तो भाई साहब प्लीज ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अजीत आर परमार, सर अगर 10वीं पास नहीं है तो क्या CSC नहीं ले सकता हूं? सर 10वीं पास नहीं हूं लेकिन मैं ऑनलाइन का नॉलेज बहुत अच्छा है सर। ओके, तो अजीत भाई ऐसा है कि आप बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आप 10वीं पास नहीं भी हैं तो भी आप CSC ले सकते हैं, और उसके लिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या करना। आप अपने नाम से मत लो, क्योंकि वैसे तो वहाँ पर आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अपलोड नहीं होती है। ठीक है, एजुकेशन के रिगार्डिंग कि भाई आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है या 8वीं की मार्कशीट अपलोड करना है, इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपका CSC आवेदन के दौरान अपलोड नहीं किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप अपनी ID से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरा ऑप्शन ही नहीं देता हूँ, आपको सीधे मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप अपनी ID से आवेदन कर लो, आप अपने माध्यम से कर लो। MP ऑनलाइन में ये एक सवाल पूछा जाता है कि भैया आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप वहां पर 10वीं आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पर CSC में ऐसा कोई सवाल नहीं आता। उसके बाद भी आपको लग रहा है डाउट, आप अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से ले लो जिनने 10वीं किया हो, सॉल्यूशन सिंपल सा ये है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका था, सर मुझे CSC सेंटर के लिए एक लैपटॉप लेना है, कितनी रैम लेना चाहिए और कौन सी कंपनी का, ऑनलाइन ले सकते हैं क्या? सर ऑनलाइन मत जाओ, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो अपने नियरेस्ट जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप की शॉप है वहां पर जाओ, वहाँ पर जाकर आप ले लो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सेकंड चीज़, आप कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो i5 या i7 लीजिएगा, प्रोसेसर 8 GB कम से कम रैम और SSD होनी चाहिए, हार्ड डिस्क की जगह SSD का इस्तेमाल हो, ताकि आपका लैपटॉप जो है अच्छा परफॉर्म कर सके। ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया ये आपको कम बजट में भी मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी की अगर बात करें तो कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सारी कंपनी अच्छी है, सारी कंपनी के जो आप बोल सकते हो कि रिस्पांस बहुत अच्छा है, केवल कॉन्फ़िगरेशन पे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है खुशी पाटिल, सर मेरा आज एग्जाम है, मेरी प्रोफाइल में 1 साल पहले की पिक डली है, बट PNST के एग्जाम में 3 महीने से पुरानी पिक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, तो मैं अब क्या करूँ? अच्छी बात, तो इसमें काम कर सकते हो आप, अपडेट कर लो ना, प्रोफाइल अपडेट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोफाइल तो आप कभी भी अपडेट कर सकते हो। हाँ, आपका 1 साल पहले की प्रोफाइल की जो फोटो डली है, 1 साल पहले की डली है, आप प्रोफाइल कभी भी अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको PEB MP ऑनलाइन इसमें जाना है, मैं एक बार बता देता हूँ आप कहाँ से करोगे, PEB MP ऑनलाइन ये आपकी वेबसाइट है, PEB.MPOnline.gov.in। ठीक बात, यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पर आने के बाद उम्मीदवार प्रोफाइल में आ जाइएगा, यहाँ पर जाने के बाद प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, ये जो ऑप्शन दिया सेकंड वाला, यहाँ पर जाओ, एडिट करो, आपसे बोलेगा फोटो अपलोड करो, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट फिर से मांगेगा, फोटो बस नहीं, मतलब पूरा जो प्रोफार्मा होता है ना उसका, वो पूरा प्रोफार्मा अपलोड करना पड़ता है, तो उसमें आप नई वाली लेटेस्ट वाली फोटो लगा के प्रोफार्मा अपलोड करवा देना, तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे नहीं बन रहा आप MP ऑनलाइन या CSC वालों के पास जाओ, वो आपकी प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं, हो जाएगा आसानी से। सिर्फ दुर्वे जी, सर जी एडोब पेज मेकर से शादी कार्ड कैसे बनाएं, पेज मेकर से शादी कार्ड कैसे बनाएं, रिक्वेस्ट वीडियो बना दीजिए, इसे हम ऑनलाइन शॉप में शादी कार्ड का काम कर सके। दोस्त शिव भाई, पेज मेकर से मत बनाओ, पेज मेकर बहुत पुराना सॉफ्टवेयर हो गया, अब उसका उपयोग नहीं होता ज़्यादातर। अगर आपको शादी कार्ड की डिजाइनिंग करनी है तो आप कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करो, कोरल में ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं। ठीक है,
कोरल के वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। आपको सारे वीडियोस यूट्यूब पे वैसे ऑलरेडी मिल जाएंगे, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कोरल की एक सीरीज बनाने का। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोरल से रिलेटेड वीडियोस भी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। अदरवाइज जब तक आप यूट्यूब पर और भी वीडियोस है कोरल से रिलेटेड, वो आप सीख सकते हैं। कोरल बेस्ट रहेगा आपको अगर आप शादी का कार्ड या कोई भी डिजाइनिंग फ्लैग्स है या कोई भी डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, वहां से कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करें, जितेंद्र रघुवंशी जी का सवाल है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आप कर सकते हो सर, एमपी पुलिस की वेबसाइट है वहां से भी कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट थाने में जाकर एक आवेदन लगा दें कि सर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए है फलाने फलाने काम के लिए, और आप उसके लिए आवेदन डायरेक्ट भी कर सकते हो वहां से, ठीक है। इरफान भाई का सवाल है सर, संबल कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे बनवाएं। संबल कार्ड के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन होता है संबल 2.0 के पोर्टल से, और उसके लिए हमने ऑलरेडी चैनल पे पूरा वीडियो दे के रखा है। उसके बाद ऑफलाइन उसका वेरिफिकेशन होता है पंचायत से, उसके बारे में भी जानकारी इरफान भाई एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतने ही सवाल लेते हैं। अब आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमें एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, ताकि कल के वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल सके। तो मिलते हैं कल के वीडियो।